बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक 2 सितंबर को होगी। बैठक में अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कई बड़े फैसलों पर भी इस कैबिनेट बैठक में माना जा रहा है कि मोहर लगेगी। नियमितीकरण पर भी हो सकती है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी जो है, अनियमित कर्मचारी जो है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि भूपेश कैबिनेट की इस बैठक में नियमितीकरण को लेकर कोई फैसला हो सकता है। यानी कि जो प्रदर्शनकर्ता कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है, क्योंकि अगली कैबिनेट बैठक में उनसे जुड़े कुछ फैसले आ सकते हैं, नियमितीकरण पर चर्चा हो सकती है और फैसला भी लिया जा सकता है। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर आप दिखा दें, जहां 2 सितंबर के भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई विषयला लेके चर्चा करी जाए। बैठक में कई बड़े फैसला पर मुहर घलोक लग सकत है। नियमितीकरण ऊपर घलोक चर्चा हो सकत आवे। तो 2 सितंबर की बैठक के आयोजन करेगी सभी चुनावी साले देखे जाते कि लगातार बैठक मन के दौर जारी हो। जो बैठक होता है भूपेश कैबिनेट की बैठक है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकत है। बताया जाते कि कई ऐसे चुनाव ले जुड़े मुद्दा हुई जेकर ऊपर बैठक में चर्चा करे जाए। तमाम दिग्गज नेता कैबिनेट के मंत्री मम ये बैठक में मौजूद रही और बैठक ऊपर कई अहम प्रस्ताव पर, कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकत है। नियमितीकरण ऊपर घलोक चर्चा ये बैठक 2 सितंबर की बैठक को जाते भूपेश कैबिनेट के बैठक के जाहिर से बात है कि चुनावी साल हरे और चुनावी साल में कई ऐसे मुद्दा है जिन सरकार ऊपर विपता खड़े कर सकते हैं, जेकर ऊपर एक बैठक में चर्चा करे जाए और हल निकाले जाए। और कई ऐसे प्रस्ताव है जनता ले जुड़े, जिससे कि नियमितीकरण ये मुद्दा पर गलत चर्चा हो सकती। बताया जाते काबर की कर्मचारी मन लगातार नियमितीकरण के मांग लेके आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन होकर मन के देखे जाते, तय एक समस्या से निजात पाए बर ये मुद्दा लेके बैठक में कैबिनेट की चर्चा हो सकती।